उत्तर प्रदेश के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी दम पर अपनी ताकत पर एक अलग पहचान बनाई मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे यादवों के सबसे लोकप्रिय नेता थे और आप उनके खिलाफ झंडा बुलंद किए थे मेरे लहजे में जी हुजूर मेरे लहजे में जी हुजूर न था सिवाय इसके मेरा कोई कई हमले हुए सैफई में भी हमला हुआ कई हमले हुए मतलब दस बारह बताओ वो है ना कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है कोई जब रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती तो है।, है अगर बिकने पे आ तो अच्छी बात पहली बार ऐसा कहीं होगा कि कोई मिनिस्टर, अपनी चीफ मिनिस्टर के से इट वाज हिस्टोरिकल इन आल्सो कि आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ आगे कोई ऐसा यादव हो जो नॉर्दर्न इंडिया में कभी राजनाथ सिंह के साथ नहीं रहा कभी को थोड़ा सा, थोड़ा सा गुरूर हो गया। तो आपको लगता है कि ये जो तो अमित शाह की रणनीति थी, थी खासतौर से उत्तर प्रदेश में 2014 में उन्होंने जातियों में उन्होंने सोचा कि यादव वोट नहीं करेगा यादव के अलावा जो गैर यादव पिछड़ी जातियां थी उसको बीजेपी के पाले में लाके खड़ा कर लिया उनको जाति के जगह हिंदू बना दिया तो आपका कहना यह है कि आप चाहे आपका लग रहा है कि वो पिछड़ी जातियां हिंदू से फिर वो जाति में कन्वर्ट हो जाएंगी जाति जो होती है संजय भाई वो धर्म से बड़ी होती है मोदी जी ने अमित शाह ने कुछ किया और नहीं किया लेकिन उन्होंने जातियों को हिंदू बना दिया हिंदू का मतलब कहना हिंदू तो थे ही वो लेकिन उनको जाति से ऊपर हटा के उनको धर्म पे ले आए जो ताकतवर कॉम्युनिटीज में जो ताकतवर फेसेस होते हैं

नशा चढ़ाओ अफीम की तरह धर्म चटा दिया गया वो राम बनने जा रहा हो कल प्रधानमंत्री का जैसे मैंने जिक्र किया हिंदू मुसलमान हिंदू, मीडिया का आप हाल देख रहे हैं कि मीडिया, अंबानी के चैनल दिन भर आग लगाती है वो 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 थमनेर होती हैं वो टैगलाइंस होती हैं जो तो बैठे उठाए आपका खून बढ़ा दे और पूरा देश विभाजित करने की योजनाए इस उफनते हुए धर्म के ज्वार में जाति का चढ़ पाएगा लोगों के दिलों में नमस्कार मैं हूँ संजय शर्मा आप देख रहे हैं फोर पी एम न्यूज नेटवर्क दिल्ली आया हूँ और आजकल कुछ ऐसे शख्सियत से मिलना चाहता हूँ मैं जिन लोगों ने कभी कभी ऐतिहासिक काम किए हैं और मेरी रुचि रहती है कि इतिहास के पन्ने में राजनीति की किताबों में और खास तौर से उत्तर प्रदेश के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी दम पर अपनी ताकत पर एक अलग पहचान बनाई है आपको याद होगा राजनाथ सिंह का दौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार प्रयोग किया पिछड़ों में अति पिछड़ा भाजपा का ये ट्रम कार्ड बताया गया और मैं इसके आगे की कहानी आपको बताऊंगा कि अभी उस उस अति पिछड़े कार्ड का हश्र क्या हुआ उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश की पूरी राजनीति अब दो बिंदुओं पे आके केंद्रित हो गई है 2024 की लड़ाई केवल मंडल बनाम कमंडल की होने जा रही है ये मैं अपने अनुभव से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पिछले दिनों में छः महीनों में कई राज्य घूमा हूँ लगातार घूम रहा हूँ आपको वीडियो बना बना के भेजता रहता हूँ आप लोग देखते रहते हैं और मेरी कोशिश रहती है रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संवाद करूँ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहेगी कि हर हालत में कमंडल को विश्व के पटल पर इतना बड़ा दिखाने की कोशिश करें जिससे जातियों के भ्रम टूट जाए कल आपने देखा था पार्लियामेंट का उद्घाटन था प्रधानमंत्री जी कुछ संत महापुरुषों के आगे जमीन पर नतमस्तक होकर लेटे हुए थे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता आप किसी संत की आप अभिवादन करें उसका प्रणाम करें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन भारत के राष्ट्रपति को जो ये फोटो था उसकी दुनिया भर में आलोचना हुई और कहा गया कि भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है यहाँ पे धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द इसलिए रखा गया क्योंकि तो यहाँ सभी धर्मों का समान भाव हो तो लड़ाई मैं इस मुद्दे पे बताना चाह रहा था लड़ाई जो है 2024 की मंडल बनाम कमंडल होगी बिहार में नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का दांव इसीलिए चला और ये जातीय जनगणना का दांव ने भारतीय जनता पार्टी को पसीने छुड़ा दिए हैं क्योंकि बीजेपी जानती है कि कमंडल का इलाज सिर्फ मंडल है अब मैं आपको बात लेकर चलता हूं राजनाथ सिंह की जो मैं आपको उस संदर्भ में बता रहा था तो राजनाथ सिंह जब मुख, मुख्यमंत्री थे उन्होंने पिछड़ों में अति पिछड़ा कार्ड का दांव चल दिया और यह बताया गया कि यह राजनाथ सिंह का मास्टर स्ट्रोक है लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था राजनाथ सिंह के मिनिस्टर में पर्यटन मिनिस्टर थे नाम था अशोक यादव रहने वाले शिकोहाबाद के थे और मैं चूँकि अपनी पत्रकारिता के शुरुआती दौर में ऐटा इटावा मैनपुरी शिकोआबाद बदायूँ चूँकि बदायूँ मेरा घर था तो मैं उन दोनों उस राजनीति का बड़ा अध्ययन करना चाहता था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो मुलायम सिंह यादव खास तौर से यादव और मुसलमानों में बहुत लोकप्रिय थे दीवानगी की हती लोग उनको भगवान की तरह पूछते थे लेकिन शिकोहाबाद के अशोक यादव ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला चुनाव लड़े विधायक बने और यादवों में कोई मजबूत नेता स्थापित हो मुलायम सिंह यादव को ये बात बड़ी अखड़ती थी अशोक यादव पे कई बार हमले हुए और बड़ी बड़ी घटनाएं हैं एक बार उनका हेलीकॉप्टर ही पूरा क्रैश हो गया था राम प्रकाश गुप्ता के चीफ मिनिस्टर थे कैसे कैसे बचे जिस समय अति पिछड़ा कार्ड हुआ अशोक यादव ने पहली बार विरोध किया राजनाथ सिंह का और ये कहा कि ये ठीक नहीं है ये पिछड़ों में गोलबंदी ठीक नहीं है काफ़ी जातियों का हक मारा जाएगा अब आप कल्पना करिए कोई किसी मुख्यमंत्री के काल में उनका मिनिस्टर बगावत कर दे तो राजनीति में उसके संकेत क्या जाते हैं और मामला यही नहीं रुका अशोक यादव अपनी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और मजे की बात यह है लड़ाई बहुत बढ़ गई एक बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन किया गया और अशोक यादव की रेट पे स्टे मिल गया मतलब मामला रुक गया राजनीति के तमाम पहलू इस समय मुखर हैं उग्र हैं और खास तौर से जातीय राजनीति भी अशोक यादव ने उसके बाद जातीय मुद्दे को देश के अलग अलग फोरम में कहा तो आज मैं इतनी भूमिका मैंने इसलिए बताई कि मैं आज सैनिक फार्म हाउस में उनके घर पे आया मेरा बड़ा मन था उनसे मिलने का खास तौर से जब जातीय जनगणना का मुद्दा जब से शुरू हुआ तो मैं उत्तर प्रदेश के इतिहास में देख रहा था क्योंकि उत्तर प्रदेश तय है कि दो में उत्तर प्रदेश ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य तय कर देगा और उत्तर प्रदेश की लड़ाई मंडल बनाम कमंडल में तो मैं इन पन्नों को पलट रहा था कि कौन व्यक्ति था जब पिछले अति पिछले के कार्ड पे सरकार का मुखर विरोध किया तो मैं उनके सैनिक फार्म हाउस में आया आज बड़ा अच्छा लगा एक बहुत अच्छा कुत्ता है बड़ी खुंकार नस्ल का एक गाय पाल रखी है उनकी पत्नी बहुत अच्छी है और मैंने घर देखा जो संस्कार होते हैं घरों में वो बहुत अच्छे परिवार के थे तो मुझे लगा उनसे बातचीत की जाए और मैंने इसलिए मैं उनकी बातचीत आपको सुनवा रहा हूँ कि आपको कुछ नई चीज़ें समझने को मिलेगी ख़ासतौर से जातीय जनगणना के मुद्दे पर अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है मुझे आपका घर बहुत अच्छा लगा और आप तो अच्छे लगे लगे मैं आपको उस दौर में ले जाना चाहता हूँ मैं जानना चाहता हूँ मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे यादवों के सबसे लोकप्रिय नेता थे और आप उनके खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए थे मुझे जरा पहले उस राजनीति का की वो तो बात मैं आपको बताता हूँ मैं भी आपके चैनल का बहुत मुरीद हूँ फोर पी का हमारे सभी लोग देखते हैं और मैं कल की घटना भी देख रहा था जंतर मंतर पर सिवा 4 पीएम के मैंने कोई चैनल नहीं देखा तो आपकी बहादुरी को सबसे पहले सलाम और ये बात ये किस्सा बताते हुए कि एक बार अकबर ने महाराणा प्रताप को ये मैसेज भिजवाया मान सिंह उनकी बुआ के लड़के थे कि भई ये राजपूतों में अकेला महाराणा प्रताप क्यों नहीं मिल जाता वो आए हाजिर हुए उनके उन्होंने तो कहा क्यों नहीं मिलते बोले साहब मैं इसलिए नहीं मिलता हूँ कि जब राजपूताने का इतिहास लिखा जाएगा तो मान का उसमें नाम नहीं लिखा जाएगा ऐसे ही मैं एक बात कहना चाहता हूँ उन्होंने कहा कि इतिहास चाहे एक पन्ने का लिखा जाए महाराणा प्रताप का इतिहास लिखा जाएगा तो महाराणा प्रताप छोड़िए चेतक का भी इतिहास है।, है और ये यूट्यूब चैनल चल रहे हैं उसमें आपका इतिहास भी लिखा ना, जाएगा ना। ये मेरी शुभकामनाएँ हैं आप बहादुरी का एक संदेश दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को आपको बहुत बहुत मुबारक अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि मेरे लहजे में जी हुजूर न था मेरे लहजे में जी हुजूर न था सिवाय इसके मेरा कोई कसूर कसूर ना था मेरा मिजाज ये सियासत में इसलिए ऐसा हुआ कि मैंने खोली और मुझे पहला चुनाव मेरा मुलायम सिंह याद हो आप तो सब उस एरिया से, से वाकिफ हूँ इतिहास ये भी है जो बहुत कम लोगों को पता है मुलायम सिंह जी भी शिकोहाबाद के रहने वाले और मैं भी शिकाबाद हमारे ही कॉलेज में वो पढ़ते थे उसके बाद सैफई में शिफ्ट हुए ये फिर हम इस पर बाद में आएंगे तिरानवे में जब मैं उनसे लड़ा तो उनका बीएसपी से समझौता हुआ हाँ, आप सोचो उस वक्त में लड़ा और मैं कितने कम वोट से हारा वो भी एक इतिहास है, है। और उसके बाद मुझे अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी आप, भीज़, आप से भी लड़े तो नहीं मैं लड़ना तो इंडिपेंडेंट चाहता था लोगों ने कहा कि मार दिया जाओ कुछ सिक्योरिटी मिल जाए किसी पार्टी का टिकट ले लो तो कांग्रेस और कोई टिकट था नहीं किसी के पास कांग्रेस का देते घर घूम रहे तो बोले आएगा कोई नहीं मुलायम सिंह से हमारी सबकी दोस्ती है तो आया कोई नहीं अच्छा मुझे अकेले लड़ना पड़ा वैसे ही सिंबल ले आए थे हाँ। चार सुरक्षा गार्ड मिले। नहीं तो तो वो कैसे हुआ वो तो खैर सब इतिहास है लेकिन क्या मैं आपको बताऊं ये बदकिस्मती और तिरानवे में ही मुलायम सिंह का मायावती का और काशीराम का पैक्ट हुआ तो सोचो मेरा यादव बाहुल इलाका शेड्यूल कास्ट भी उसमें है मुसलमान भी है मुझे चालीस हजार वोट पहले इलेक्शन में मुलायम सिंह के, के और जो उसका था अटल जी ने मुझे ज्वाइन कराई बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी खुद गए पूरे हिंदुस्तान की बीजेपी गई और ज्वाइन कराने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी इतनी बड़ी रैली शायद नॉर्दर्न इंडिया में नहीं अच्छा 20 दिन के बाद मुलायम सिंह ने उसी ग्राउंड पर रैली करी सोचो उन्होंने अपने आप को छोटा बना लिया मायावती ने करी कांग्रेस ने करी शिकवावाद मक्का मदीना बन गया तो मेरा तो ऐसे करैक्टर ऐसे बढ़ता चला गया 96 में लड़ा मुलायम सिंह का एक रिश्तेदार लड़ा वो हार गया मैं मिनिस्टर बना आप पहली बार 96 में मंत्री बने हाँ, और सरकार किसकी थी उस बीजेपी की सरपार सरकार थी मिलीजुली मायावती बीजेपी अच्छा माया कल्याण सिंह बीजेपी अच्छा राजनाथ सिंह बीजेपी उसमें राम प्रकाश भी हम मिनिस्टर हमेशा रहे चीफ मिनिस्टर बदलते रहे हाँ ये भी अच्छी बात है कि आपके मुख्यमंत्री बदलते रहे आप मंत्री लगातार बने रहे तो लेकिन उसमें मेरे पास मेरे ऊपर कई हमले हुए मुझे सैफ में भी हमला हुआ कई हमले हुए मतलब दस बारह बता रहा हूँ दस बारह में हमला हुआ पार्लियामेंट चल रही थी और मैं सैफ करहल हवाई पट्टी क्या वहाँ वहां से मुझे सैफई और करहल में पैसा बांटना था

अभी लड़का मर जाता तब क्या होता हम काम होंगे दिखाते उसी वक्त एक घंटे में मुझे जेड सिक्योरिटी दी गई अच्छा और उनसे ये कहा गया कि ये उनके यहाँ मैं वी, वी में था कल्याण सिंह खुद ले गया सारी सिक्योरिटी बोले भाई सेंटर बहुत नाराज है यार सब मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया मुझे बुला लेते बोले नहीं नहीं मुझे कहा गया ऐसा और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैंने इटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके बाद हमले के बाद हाँ इटावा आया मुझे पता चला इटावा में पुलिस लाइन पे हेलीकॉप्टर उतरा मेरा थोड़ा उसमें चोट लग गई खैर ये सब होता रहा फिर हम लोग कंटेस्ट में आए बहुत बड़ी-बड़ी मैंने एग्रीकल्चर फेयर किया इंटरनेशनल उसमें इसराइल के और तो क्या हुआ ये सब लोग मुझ पर निगाह रखने लगे एवरीबडी मैंने टूरिज्म के भी किसान अदालत मैंने इंट्रोड्यूस करी ये एग्रीकल्चर फेयर मैंने किया जिसमें छह लाख लोग आए चार कंट्रीज के एग्रीकल्चर किया था शिकोबाद में बहुत बड़ी बड़ी इवेंट करी अच्छा तो सब लोग बहुत खुश थे तो ये मुला इनको कल्याण से जो राजनाथ सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर बने तो हुकुम सिंह जी थे हाँ हाँ मुजफ्फरनगर उन्होंने वो हर चीफ मिनिस्टर के नज़दीक हो हाँ, जाते थे हाँ, हाँ, पता नहीं कैसे होते थे वो हाँ, भगवान बेहतर जानता है उन्होंने, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप ये यादव जाट मुसलमान इन्हें आप बाहर निकालो तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हाँ, बाहर निकाल बोले रिजर्वेशन का एक नया फार्मूला ऑर्डिनेंस लागू करो बना लो अभी लागू कर दो काट दो राजनाथ सिंह को ये बताया अच्छा ये आइडिया हुआ हुआ अच्छा अच्छा, अच्छा लोग कहते हैं कि कोई मर जाता है ये सब बकवास की बात है प्रिंसिपली कोई बड़ी बात है तो नाम लेना पड़ता है बताना पड़ता अब चार चीफ मिनिस्टर यानी चालीस साल का पीरियड उत्तर प्रदेश का ऐसा गुजरा है मैं एक माजरत चाहता हूं मैं आप नाम खुद अपनी जान जाओगे चालीस हाँ। साल उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में जहां एक आधे दर्जन से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उस हमारे आसपास की बात कर रहा हूं मैं चीफ मिनिस्टर्स के नाम आप तय करना उसमें चार चीफ मतलब चालीस साल एक चीफ मिनिस्टर तो तीन बार रहे एक चीफ मिनिस्टर चार बार रहे एक चीफ मिन... उनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन थी कि वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे मैं नाम मेरा लेनाथ सिंह नाम आप ले सकते हो आप बड़े जर्नलिस्ट हो ये मुनासिब नहीं है जब आपको इससे ज्यादा कुछ पता नहीं था तो आप ये इतने बड़े लीगल झगड़े में क्यों पड़ गए और करा क्या कास्ट का सर्वे भी खुद ही करा लिया अच्छा हाँ। तो हाँ। राजनाथ सिंह ने जाति का सर्वे कराया था वो जरूरी होता है अच्छा। पास करने हाँ, के लिए हाँ, हाँ। क्या, 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 तो उन्होंने आप खुद ही सर्वे कराओगे तो उस, उसकी वैलिडिटी क्या है और इतना लीगल पॉइंट छोड़ दिया अच्छा फिर ये लोग चिल्लाने लगे है कोई माई का लाल जो इसको छू के दिखाए राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आया था था याद है वो चीफ अब हाँ ये सब जगह उन्हें लगा कि डर डर गए गए सब हाँ हा। मैंने अटल जी को कहा मैंने कहा साहब ये बहुत बुरा हो रहा है बोले भाई मुझे पूरी बात नहीं बताई गई थी मैंने कहा साहब मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ मैं किसी अपने अगर मैं यादव भी हूँ और इसमें यादव भी अगर कटेंगे पिछड़े वर्ग सब कट जाएंगे अहिर जाट गुजर मुसलमान सब आप में हिम्मत है उनके लिए अलग कर दो लेकिन वो कुछ था नहीं वो था वो पिछड़ों में कर दिया। वो कुछ नहीं था भाई बीजेपी ने कभी कोई रिजर्वेशन किया पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लीजिए इनको कुछ पता नहीं था वो जल्दी जल्दी बड़े थे आपको ध्यान हो हाँ। बहुत घोषणाएं कर रहे थे हाँ लगातार घोषणा मंत्री और वो ये कह रहे थे जैसे होता ना कर ले मुलायम चुप मायावती चुप जिनको बोलना चाहिए था ये सब घबरा गए बोले अब तो कैसे होगा क्या होगा एक्ट पास हो गया पचानवे हजार वैकेंसी निकल गई सब अच्छा उसी एक्ट कितना पचानवे हजार उसी मतलब हमारा प्रधान बनना था बैकवर्ड का तो पांच ही परसेंट बनने थे हाँ। यादव का ऐसे समझो आप आरक्षण की जगह रह गया जाटव का रह गया का सब का गया मुसलमान का सबका कट तो हम लोग मैंने राय मशवरा अटल जी को इन्फॉर्म किया बोले भैया मेरे से उतना मशवरा नहीं हुआ है और मेरी समझ में नहीं आता ऐसे मैंने कहा साफ सारी यादव जाति मुझे कोई वोट नहीं दे देगी ना मुसलमान दे देंगे ना मुझे और कुर्मी और वो दे देंगे जाट लेकिन यादव मुझसे सवाल जरूर करेगा कि तुम वहां थे तो क्यों नहीं बोले मेरी गर्दन कट जाएगी मुझे ऐसी ऐसी मिनिस्टरशिप नहीं चाहिए मैं सब सुप्रीम कोर्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट आ गया तो बस जी सरकार सेंटर में भी थी अटॉर्नी जनरल सोली थे बोले ये क्या कर रहा है शो यार ये कोई तमाशा हो रहा है तुम ले आए और ये इस पर कुछ हो जाएगा क्या चार साल मुकदमा चलेगा खैर वो डराते रहे सब लोग मुझे उनकी तरह आप ये सोचो जब मेरी तारीख पड़ती थी तो डेढ़ सो दो सौ लड़के आते थे पूरे इंडिया से क्या हो रहा है क्या हो रहा है हाँ, लालू बड़ जी बहुत बड़ बहुत बड़ बड़ा बड़ा मुद्दा था लालू जी फोन कर रहे हैं शरद जी फोन कर होगा कपिल सिब्बल थे सलमान साहब भी खड़े होते थे बोले यार इसमें डाउट है क्योंकि वैकेंसी निकल गई थी वी कैन नॉट गो आउट पता नहीं क्या हुआ लगातार हम जाते रहे बारूचा साहब बारूचा साहब बहुत बहुत जबरदस्त चीफ जस्टिस थे हाँ, उन्होंने एक दिन कहा कि ये बताओ कि ये कोई इलेक्शन आसपास है क्या है करा? करा आप ये बताइए कि क्या आपके पास कोई और वैलिड पॉइंट है हम तो रोज यहाँ बीस बीस वकील रहते थे हाँ तो जब वो, वो है ना कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है कोई जब रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती, बढ़ती है।, है अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं नाम अक्सर न ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती, बढ़ती है है बिल्कुल बात बात अच्छी कहता हूँ उन्नीस सौ इकतीस में पहली बार ए टर्नर ने किया था पूरी इंडिया का वो एडमिनिस्ट्रेटिव उन्नीस सौ इकतीस में बिफोर द इंडिपेंडेंस और अमेरिका भी रिजर्वेशन देता है कमजोर वर्गों को वीक्स को उनके प्रोविजन है पूरा मेडल कमीशन पास हो ही चुका था साहब कोई बोले नहीं डर के मारे पहुंचते पहुंचते तो लास्ट में मैंने उनको कहा कपिल सिब्बल को साहब बैकवर्ड कमीशन बनाए उन्होंने एक चिट्ठी नहीं डाली उन्हें उनसे उनसे कहते सर्वे कराने के लिए हु आर दे वो बारूचा साहब को अटक गई बात बोले भाई जब बैकवर्ड कमीशन बना हुआ है तो हैव यू हैव यू रिक्वेस्टेड दोस पीपल कोई चिट्ठी नहीं थी तो उन्होंने कहा ये वैकेंसी आपने कैसे निकाल दी इलेक्शन कब है आपके यहाँ कोई चार महीने पांच महीने इलेक्शन उसने कहा ये सब आपने इलेक्शन की वजह से किया है कोई और आपकी पिछली भी तमाम चीजें ऐसी हैं यू आर जस्ट अनाउंसिंग थिंग्स योर गवर्नमेंट नोटिस वाह भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में और ये हाँ। ये ये मिनिस्टर आप मिनिस्टर आप थे, हाँ। तो ये मेरे खासे, ये पहली बार जब बैकवर्ड कमीशन पे कोई अपनी सरकार के खिलाफ जीता हो इट वॉज हिस्टोरिकल ऑल्सो कि कोई ऐसा यादव हो जो नॉर्दर्न इंडिया में कभी मुलायम सिंह के साथ नहीं रहा हो कभी मायावती के साथ नहीं रहा हो सो ये बिल्कुल अजीब अजीब सी बातें तो राजनाथ सिंह ने आपको बुला के कहानी क्यों कर रहे हो ऐसा राजनाथ सिंह को थोड़ा सा थोड़ा सा गुरूर हो गया था अच्छा उन्हें लगता था कि इसके खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं पाएगा हाँ। इधर उधर उन्होंने कोशिश करी लेकिन वो समझ रहे थे कि हमारी उधर भी सरकार है लखनऊ में भी सरकार है होगा क्या अटल जी आपको बहुत पसंद करते अटल जी ने ही तो मुझे बीजेपी में लाए थे और मैं मैं क्या बताऊं और उनको हम लोग जब भी याद करते हैं और वो जानते थे कि मेरे बारे में सारी चीजें जानते थे मेरे ख्याल जो अब भी है ये चुनाव जो 2024 का है ये टोटली ओ बी पे हो रहा है हाँ मंडल वन और मंडल टू ये जितना बाकी लोग कमंडल कर रहे हैं तो उसका मुकाबला मंडल ही कर पाएगा आप देखो ये ये जो जाति जनगणना हो रही है ये भी उसी तरफ वो तो रोक रोक लगवा दी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट, कोर्ट में भी आ गए लेकिन जब आप रोक लगाते हो तब लोग और उसकी तरफ से गहराई से देख हुँ, हुँ, और जितने जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि और और जब तक अभी आप ये बताइए गुजर ये क्या है ये भी बैकवर्ड क्लासेस ये, ये सब इकट्ठे जब होंगे तो ये फिर ये जो इज्म है ये जो आइडियोलॉजी है इसके खिलाफ सिवा मंडल की कोई लड़ यशपाल मलिक क्या है बैकवर्ट? जाट बैकवर्ड में है सतपाल मलिक सतपाल मलिक हुँ, हुँ क्या है बैकवर्ड है तो आपको लगता है कि ये जो अमित शाह की रणनीति थी, थी ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में दो में उन्होंने जातियों में उन्होंने सोचा कि यादव वोट नहीं करेगा यादव के अलावा जो गैर यादव पिछड़ी जातियाँ थी उसको बीजेपी के पाले में ला खड़ा कर लिया उनको जाति की जगह हिंदू बना दिया तो आपका कहना ये है कि आप चाहे आपको लग रहा है कि वो पिछड़ी जातियाँ हिंदू से फिर वो जाति में कन्वर्ट हो जाएंगी क्या लग रहा है आपको मैं एक बहुत आपसे बेहतर कोई समझेगा नहीं आपने कहाँ से पत्रकारिता शुरू करी कहाँ से सियासत शुरू करी आप एक मिनट में मेरी बात समझ जाइए। जाति जो होती है संजय भाई वो धर्म से बड़ी होती है हुँ। कैसे हुँ। जैसे आपके एक माफिया लड़ रहा हो आज से दस साल पहले तो बुजुर्गों से कहे वो त्रिवेदी पंडित जी को मोड़ा लड़ रहा हो सो तो वे यूं कहेंगे कि अरे वो गुंडा है अरे गुंडा छोड़ो बिरादरी को तो है तो जब बिरादरी धर्म से बड़ी है तो पिछड़ा वर्ग जब मिलेगा तो कौन लड़ पाएगा हालांकि मिल कैसे पा रहा है क्योंकि मोदी जी ने अमित शाह ने कुछ किया हो लेकिन उन्होंने जातियों को हिंदू बना दिया हिंदू का है मतलब कहना हिंदू तो थे ही वो लेकिन उनको जाति से ऊपर हटा के उनको धर्म पे ले आए वो जाति मंडल कमीशन जो है हाँ। वो नौकरियों की बात कर रहा है हाँ वो रोजगार की बात कर रहा है आरक्षण रोजगार की बात कर रहा है ये जितने सर्वेक्षण हो रहे हैं वो बेरोजगारी को मिटाने के लिए हो रहे हैं अब बेरोजगारी इतनी है कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ फेस कोई फेस नहीं होता है आप ये बताइए इमरजेंसी लगी थी तो जयप्रकाश नारायण तो बहत्तर साल के थे फेस थे क्या नहीं हाँ बात तो इसलिए भी ठीक है क्योंकि मंडल कमीशन लागू करने वाला एक ठाकुर था विष्णुनाथ प्रताप सिंह छत्रीय थे ऊंची जाति में आते थे लेकिन उन्होंने कौन फेस उठया फेसेस क्राइसिस तैयार करती है बिना फेसेस के ये कितनी बार कौन से फेस थे अन्ना हजारे ने माहौल बना ना आ गए फेस बाद में आता है नाराजगी पहले आती है और आप मुझे बताओ कहां फेस और राज्यों में कहां फेस चल पा रहा है अगर किसी का फेस भी है तो वहां कर्नाटक की जीत जो है वो बैकवर्ड कम्युनिटीज का पोलराइजेशन है आ, तीस जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इतना जबरदस्त प्रचार किया हो इतने रोड शो किए तीस सीटों पे बीजेपी की जमानत जब्त हो गई तो अच्छा फिर क्या है आप जैसे मेरी कम्युनिटी अगर ऐसे समझे मैं और कि किसी के लिए कह नहीं सकता हूँ मेरी कम्युनिटी के मिनिस्टर यूपी में भी है हाँ। आपको किसी का नाम सुना है आपने याद भी नहीं रहते है ही नहीं वो वो ढूंढ के ऐसे लाए जाते हैं जो पीछे की सीट पे जाके बैठ जाएं जिनकी कोई आवाज ना हो सेंटर में भी आप बिलीव नहीं करोगे तीन चार यादव मिनिस्टर कैपेसिटी में मैं उनका भी नहीं नाम लेना चाहता हाँ। आप एक का नाम ले जाके किसी को कह दो जो ताकतवर कॉम्युनिटीज में जो ताकतवर फेसेस होते हैं उन्हें बड़ी पार्टियां उनसे थोड़ा परहेज करती है मैं बहुत माधुर अच्छा, क्यों क्यों करती है भाई ऐसा है ना कि वो तो लीडर बना हुआ है ना उसे आप अपने फायदे के लिए ला रहे हो और आग उसे बहुत छोटी कुर्सी पे बैठा दोगे तो आपसे नमस्ते करेगा ना फिर कि भाई साहब मैं तो इससे पहले बहुत बड़ी पे बैठा बैकवर्ड्स में जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो छोटे लोगों को चुनती कहती है कि हमने बना तो दिया यार अब पूछो लेकिन वो ऐसा इफेक्टिव चेहरा नहीं ला पाते हैं तो पूरी माफी के साथ कह रहा हूँ पूरी माफी के साथ कह रहा तो आप बीजेपी आपने छोड़ी बीजेपी छूट गई ना साहब मैंने केवल जब... तो इसी सिद्धांत की वजह से सुनिए एक मजबूत चेहरा तो इसीलिए बैकवर्ड कम्युनिटीज मैं आज कहीं पूरे इंडिया में कहीं खड़े हो जाऊं सब लोग मुझे जानते हैं आज उत्तर प्रदेश में कहीं खड़े हो जाऊं मुझे आजमगढ़ के, के लोग कहते रहे कि आप यहाँ लड़ जाओ गोपालगंज वगैरह वाले एमएलए कहते रहे और इंडिपेंडेंट लड़ जाओ आप घर चले जाना लेकिन क्या है ना कि बहुत जो ताकतवर लोग होते हैं जो बहुत मजबूत लोग होते हैं उनसे कतराते भी तो है ना लोग अब आप मुझे बताओ, मुझे बताओ ले गए नहीं बिगाड़ना नहीं चाहते बड़ी दोस्ती मुलायम सिंह से थी, तो मैं कैसे करता। था, और मैं तो दोस्त से तो दो भी लड़ू और दुश्मन से भी लड़ू तो मेरी तो लड़ाई बहुत हो गई ना आपने, आपको केवल इन्हीं हमलों की वजह से बहुत साल तक जेट प्लस सिक्योरिटी थी। मेरे पास जेट थी जे, पंद्रह साल साल, साल साल आप साल सोलह साल जेट प्लस सिक्योरिटी हाँ, जेट, जेट हाँ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चलती थी अच्छा कारगिल का पैसा मैंने सारा बाटा अटल जी के कहने पे मैं रात रात भर हेलीकॉप्टर से उड़ता था

हेलीकॉप्टर को क्रैश हो गया एकदम जल के राख हो गया मैं कभी भेजूंगा आपको। माय गॉड। और फिर मुझे ये किसी को पता नहीं मुझे बहुत सारा मुआवजा मिला उन्होंने बाहर हेलीकॉप्टर वाली कंपनी ने की दिया होगा आपको बैल थी उसने कहा भाई साहब किसी को बताना मत अच्छा ठीक अच्छा है उसको उसको कंपनी बदनाम हो जाएगी हमारी हेलीकॉप्टर की मैंने कहा ठीक है जी अच्छा ये सच बात है अच्छा ये लेकिन मेरी अकेली जान बची माधरा सिंधिया का सेम एक्सीडेंट हाँ, हुआ अनफॉर्चुनेटली सुरेंदर बंशीलाल के बेटे और जिंदल साहब दे हैड सेम इंजन फेल हो गया दे डाइट नॉर्मली बचते नहीं बच्चते मैं अगर कूदता नहीं तो मैं भी नहीं बचता मैं हिम्मत करके कूद गया। एक बार मैं मेरे साथ भी हुआ था आंवला लोकसभा में मुलायम सिंह उस समय रक्षा मंत्री थे मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर में था तो वहाँ पे यादव कम्युनिटी ज़्यादा थी और जनता दल ने उस समय एक यादव को दे दिया और नेताजी ने ठाकुर सरराज सिंह को दे दिया था आ, भी तो भी बिनावर भी। में वो लोकसभा का चुनाव था मायावती जी मुख्यमंत्री थी हेलीकॉप्टर जैसी लैंड हो रहा था अचानक पायलट ने बड़ा हड़बड़ा के ऊपर उठाया तो लगभग गिरे से हम लोग तो उसने बताया कि नीचे हाई बहुत हाईटेंशन लाइन जा रही थी और थोड़ा नीचे जाता है ब्लास्ट हो जाता है पॉलिटिशियन कैसे होते हैं और पूरा माहौल था कि नेताजी हार जाएंगे क्योंकि यादव नाराज थे कि भाई हमारी ना देकर आपने टिकट उसको दे दिया तो हम जनता दल में चले नेताजी मंच पे पहुंचे मेरे सामने की बात है खेत में हाथ पकड़ पकड़ के हम उनके सिक्योरिटी अफसर देखा और नेताजी ने मंच पर जाती कहा कि भाई एक तुम्हारी मुख्यमंत्री ने तो मुझे मारने का इंतजाम किया था तुम बिरा के लोग तुम क्या चाहते हो एक दिन में इलेक्शन पलट गया मैं आपको तो एक इंटरेस्टिंग बात हाँ। 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 मुझे अटल जी ने कहा कि भाई हमारी यूपी में सरकार है हिंदुस्तान में सरकार है कोई मैनपुरी से टिकट नहीं मांग रहा मैं मिनिस्टर था अच्छा मैंने कहा आप करो डेढ़ महीना रह गया था चुनाव पार्लियामेंट का पार्लियामेंट का तो प्रमोद महाजन ने कहा लड़ लेगा तो सब इलाका मुलायम सिंह का है चार पांच लाख अहि है मैंने कहा अटल जी की अगर ये ख्वाहिश है तो लड़ लूंगा कैसे लड़ेगा मैं गया लड़ने साल ऐतिहासिक मेरा नॉमिनेशन हुआ शायद उत्तर प्रदेश में अच्छा। चार, चार मुलायम सिंह को पर्चा भरना था दो बजे और मेरा होना था बारह बजे मेरी भीड़ कुछ बहुत ज्यादा आ गई ही डिसाइडेड टू लीव कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनपुरी इतिहास है कौन से सन में लड़ा पार्लियामेंट नाइन मुलायम सिंह सीट छोड़ गए और बलराम सिंह को उसी वक्त हाँ। उनकी वाइफ ने कहा लड़ाया और तो हम लोग थोड़े धूले पड़ गए मुलायम सिंह की बात आप ये सोचो ये अशोक यादव आपके भाई का ये ये किरदार रहा है कि मैं गया लड़ने तो मुलायम सिंह जी छोड़ गए थे सीट और फिर भी हम लोगों को लोग अच्छे लोग यूटिलाइज नहीं कर पाए आप समझ रहा हूँ इलेक्शन का नतीजा मैं तीन हजार वोट से आ रहा था बीजेपी बीजेपी के टिकट हाँ, बीजेपी पे पार्लियामेंट मुलायम सिंह की कौनसी से हाँ उसके उस्तावर्ण। उस्तावर्ण। कभी मिला नहीं कभी मिला नहीं दोबारा नहीं मिला अच्छा जी मैं आपका फिर उस मुद्दे पे आ रहा हूँ कि ये इतना आसान है क्या कि जिस समय धर्म का नशा चढ़ाओ अफीम की तरह धर्म चटा दिया गया हो आदमी को राम मंदिर बनने जा रहा हो कल प्रधानमंत्री का जैसे मैंने जिक्र किया जिस तरह वो लेटे हुए थे एक दंड स्थापित कर दिया गया हर जगह हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान दिन रात मीडिया का आप देख, हाल देख रहे हैं कि मेरी स्ट्रीम मीडिया अंबानी के चैनल दिन भर आग लगाते हैं वो 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 थंबनेल होती हैं वो टैगलाइंस होती हैं जो बैठे उठाए आपका खून बढ़ा दें और पूरा देश विभाजित करने की योजना है इस उफनके हुए धर्म के ज्वार में जाति का खुमार चढ़ पाएगा लोगों के दिलों में मैं फिर लौटता हूँ अपनी बात ये सब अपनी जगह दुरुस्त है लेकिन जब चुनाव आता है तो सारी पार्टियां जातिया क्यों ढूंढती है कैंडिडेट जातियां इसका मतलब धर्म से बड़ी है जाति और जाति बड़ी है और जाति बड़ी रहेगी ये तो धर्म जो है वो आता ही शुरू बाद में होता क्योंकि हर धर्म के अपने कायदे कानून सब अलग है और जब जाति का सवाल आता है तो आदमी जाति के पीछे पहले खड़ा हो जाता है इसीलिए मंडल वाले लोग इकट्ठा कर रहे हैं जातियों का समूह तो है वो राहुल गांधी ने कर्नाटक में कहा भी कि हम जाति जनगणना का तो नीतीश से इसीलिए थोड़ी बहुत थोड़ी घबराहट है जातियों की गिनती हो जाएगी तो फिर मुश्किल तलब हो जाएगा ना और यूपी बिहार एक जैसे सूबे हैं हाँ और यूपी बिहार में ही मुश्किल तलब इलेक्शन है अच्छा, को क्यों डर है जाती जनगणना से डर क्यों है बीजेपी को मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़ाका जातियां हैं, हाँ। चाहे उनका नंबर छोटा हो, हाँ। वो इस वक्त जाति जनगणना के साथ हैं और नीतीश का असर को आप अभी कम नहीं कर सकते हो और बहुत साइलेंटली बहुत इंटेलिजेंटली और ये माहौल देखिए बात ये है ना खिलाफत का माहौल खड़ा करना बहुत आसान होता है ये भी मैं आपको बताता हूं और जो जो भी बात है धर्म से लड़ने वाली जाति है हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है आप ये बताओ हर जाति की परंपरा अलग है मेरे यहाँ शादी अलग तरीके से होगी आपके यहाँ अलग होगी इनके अलग होगी बिल्कुल ठीक बात तो फिर मैं ये समझता हूँ और एक बात मुझे एक उम्मीद है शायर की एक बात सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ कि तस्वुरात की परछाइया उभरती हैं कभी गुमान की सूरत कभी यकीन की तरह वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे खड़े हैं आज भी साक किसी अमी की तरह उन्हीं के साय में फिर आज दो धड़कते दिल खामोश होठों से कुछ कहने सुनने आए हैं बहुत कशाकत से बहुत काबिज से ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए थे यही फिजा थी यही रुत यही ज़माना था यहीं से हमने मोहब्बत की इतदा की थी धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से हजूर गैब में नन्नी सी इल्तिजा की थी आर जू के कमल खिल के फूल हो जाए और दिलो नजर की दुआएं कबूल क्या बात है इतनी आप इतनी आपको शेर शायरी कविता याद नेता नेता को उर्दू एज लैंग्वेज पढ़ा अच्छा और वाह क्या आ, बात है आप तो बहुत घूमे भी है ना हाँ, दुनिया बहुत बहुत देश बहुत शुक्रिया अशोक जी आप बहुत बहुत आपका शुक्रिया फोर पीएम को बहुत बहुत बधाइयां मुबारकबाद आप दिल्ली में बहुत बड़ी कवरेज करने आए और अब आपसे तो रोज सामना होगा आप जो चौबीस का इलेक्शन हो रहा है ईश्वर करे आप हाईलाइट में रहें क्योंकि मेन स्ट्रीम तो मीडिया रहा नहीं कुछ भी। लोगों जनता अब आप लोग इतना आगे भाई आप लोग इतना आगे आ, आ रहे हैं जैसे जो जिन बॉलों पे जो क्रिकेटर जो होते हैं सिक्सर मारते हैं वो छोड़ आते हैं पीछे भी दाएं से मारते हैं ज्यादातर आपके सभी सिक्सर लग रहे हैं आ, तो ये बहुत थे धन्यवाद अशोक जी तो ये थे अशोक यादव जी मैंने जैसे बताया कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर जब अपनी सरकार में मिनिस्टर रहते हुए विद्रोह करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे स्टे हुआ और इस समय मैंने इसलिए ये इंटरव्यू किया कि मैं आपको समझा सकूं कि 2024 में कमंडल का मुकाबला सिर्फ मंडल कर रहा है जिसकी आग बिहार से नीतीश ने सुलगाई है और आग बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि कर्नाटक में राहुल गांधी ने कहा कि हम जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं हम लगभग करा चुके थे अब मोदी जी को प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो आंकड़े सार्वजनिक करें और बीजेपी डर रही है कि अगर जातियों के आंकड़े सामने आ गए तो शायद कमंडल का भूत कम हो जाएगा देश में जो हिंदू मुसलमान के नाम पर आग लगी है तो जातियों को हिंदू बना दिया गया है वो कहीं फिर जाति में ना वापस सोच जाए यही खेल है और राजनीति अगले नौ दस महीने पर यहीं पे घूमेगी और मैं फोरपीएम के माध्यम से देश के अलग अलग कोने में जाके आपको ये आंकड़े बताता रहूंगा गोदी मीडिया नहीं बताएगा जो सच फोर पी एम आपको मिलेगा अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा शुक्रिया